Welcome to Learn Smash. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है एट स्कूल। ठीक है जी, आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या आइटम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मैप। ठीक है, मैप को मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया। एंड देन उसके बाद चौक है, मार्कर भी होता है एज़ कम्पेयर टू चौक, मार्कर होता है आजकल तो। ठीक है, एंड देन डस्टर, डस्टर तो नीट होती है तो डस्टर तो मेन है। एंड देन उसके बाद जो होता है वो चौक बोर्ड होता है, मीन्स के ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है। एंड देन इसको भी मैंने कर दिया, वहाँ लिखा है कि वी लव स्कूल। एंड देन बुक होती है जिससे हम पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊँगी वो है डेस्क। ठीक है जी, डेस्क पे हम बैठते हैं, अपने स्टडी करते हैं, तो ये डेस्क हो गई। उसके बाद जो हम जाएंगे वो है पपल्स। पपल्स मीन्स के लोग जो जैसे बच्चे अपने हाथ को अगर इरेज करेंगे तो उसे पपल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इरेजर है। इरेजर के बाद आएगा पेंसिल। पेंसिल जो है हमारी मेन नीड है क्योंकि उससे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तो है वेस्ट पेपर बास्केट। वेस्ट पेपर बास्केट बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपना जो डस्ट होता है वो उसके अंदर डालें, वेस्ट मटेरियल। शार्पनर है, शार्पनर भी हमारे स्कूल में, हमारे स्टेशनरी में होता है, जो एट स्कूल में चीज़ें होती हैं वही है इनमें। ठीक है जी, उसके बाद मैं देखूँगी तो यहाँ पेन है, जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पास पेंसिल होगी, बड़े होंगे तो पेन होगा, हाईलाइटर्स होंगे, तरह तरह के डिफरेंट कलर्स के हाईलाइटर्स होंगे, ग्लू होगी, जैसे यहाँ है ग्लू होगी। ओके जी, उसके बाद मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। उसके बाद रूलर होगा, रूलर तो मेन है। ठीक है जी, उसके बाद जो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रूलर के बाद डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम वो चीज़ देखते हैं जैसे बच्चों के लिए डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिक्शनरी को मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड देन क्रायॉन होते हैं। ठीक है जी, क्रायॉन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारी जो एट स्कूल वाली शीट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये शीट और समझ भी आई होगी क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से करती हूँ। लर्न विद मैच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वर्कशीट्स लाती रहूं और आपको समझाती रहूं अच्छे से।